हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनिल अग्रवाल जी के बारे में, जिन्होंने 10वीं पास की लेकिन 78,950 करोड़ रुपए की रेवेन्यू कंपनी खड़ी कर दी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तमिलनाडु के तूतीकोरन जिले में प्रदूषण फैलाने के चलते वेदांता समूह की कंपनी स्टरलाइट कॉपर को बंद करने की मांग तेज होती जा रही है। यह वही वेदांता रिसोर्सेज है जो भारत में सबसे बड़ी माइनिंग और नॉन फेरस मेटल्स कंपनी के तौर पर जाना जाता है। 78,950 करोड़ रुपए रेवेन्यू वाली वेदांता रिसोर्सेज को पटना के केवल 10वीं पास अनिल अग्रवाल ने शुरू किया और अपनी बिजनेस स्किल्स के दम पर भारत के मेटल मुगल बन गए। आज वेदांता का कारोबार भारत, ब्रिटेन, जाम्बिया, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि में फैला हुआ है। आइए आपको बताते हैं 10वीं पास एक शख्स के मेटल मुगल बनने की कहानी। स्कूल छोड़कर पिता का हाथ बटाया। 15 साल के अनिल अग्रवाल ने 10वीं पास करने के बाद स्कूल छोड़ दिया और अपने पिता के एल्यूमिनियम कंडक्टर बनाने के बिजनेस में हाथ बटाने लगे। हालांकि इसमें उनका मन नहीं लगा और वह 19 साल की उम्र में एक बेहतर करियर की तलाश में मुंबई निकल गए। यहां उन्होंने स्क्रैप डीलर के तौर पर काम शुरू कर दिया। इस दौरान वह दूसरे राज्यों से स्क्रैप डीलिंग किया करते थे। ऐसे आया कंपनी शुरू करने का आइडिया। अनिल के एक इंटरव्यू के मुताबिक एक दिन वह मुंबई स्थित 5-स्टार ओबेरॉय होटल के बाहर पहुंचे। वह होटल के अंदर जाना चाहते थे लेकिन डर रहे थे क्योंकि उन्हें अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं आता था। किसी तरह दूसरों की मदद लेकर वह सिर्फ एक दिन होटल में गुजारने की मंशा से अंदर गए। इसी दौरान उनके दिमाग में आइडिया आया कि वह यहाँ बैठकर अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। इसी तरह करीब 3 महीने तक वह होटल में ही ठहरे। यहीं से उन्हें वेदांता रिसोर्सेज को शुरू करने का आइडिया आया। लोन लेने के लिए बैंक के बाहर रहते थे खड़े। अनिल अग्रवाल ने वेदांता रिसोर्सेज की शुरुआत कर दी थी। कंपनी शुरुआत में दूसरे राज्यों की केवल कंपनी से स्क्रैप लेती थी और मुंबई में बेचती थी। इसी दौरान 1979 में अनिल ने शमशेर स्टर्लिंग कॉरपोरेशन नाम की कंपनी का अधिग्रहण कर लिया और अपना बिजनेस बढ़ाना चाहा। यह कंपनी तांबा समेत अन्य प्रोडक्ट्स बनाती थी। इसके लिए उन्हें 50,000 रुपये लोन की ज़रूरत थी। अनिल सिंडिकेट बैंक से लोन हासिल करने के लिए रोज बैंक के बाहर खड़े रहते। उनकी नज़र इस पर टिकी रहती कि अगर बैंक मैनेजर का मूड अच्छा है तो वह आज लोन दे देगा। इस तरह उन्होंने लोन हासिल किया। इस कंपनी का नाम स्टरलाइट इंडस्ट्रीज रखा गया। ऐसे बढ़ाया कारोबार। करीब 10 साल तक अनिल अग्रवाल अपने इन दोनों बिजनेस का आधार मजबूत करते रहे। 1986 में उन्होंने केबल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। इसके बाद अनिल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 1995 में बंद पड़ चुकी मद्रास एल्युमिनियम का और मालको में 80% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। 1999 में स्टरलाइट ने तस्मानिया और थलंगा कॉपर माइंस का अधिग्रहण किया। 2001 में अनिल की कंपनी ने प्राइमरी एल्युमिनियम प्रोड्यूसर बाल्को में 51% हिस्सेदारी खरीदी। इस तरह अनिल अग्रवाल अपने बिजनेस को भारत में बढ़ाते रहे। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली पहली भारतीय कंपनी। 2003 में लाइसेंसी राज से परेशान अनिल लंदन चले गए। यहां शुरुआती करते हुए कुछ ही सालों के भीतर उनकी कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज LSE में लिस्टेड हो गई। ऐसा करने वाली वह भारत की पहली कंपनी बनी। 2004 में स्टरलाइट ने जाम्बिया की कोनकोला कॉपर माइंस में 51% हिस्सेदारी की खरीद की। 2007 में वेदांता ने सेसा गोवा लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी हासिल कर ली। 2013 में वेदांता ने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज और सेसा गोवा का मर्जर कर दिया और नई कंपनी सेसा स्टरलाइट लिमिटेड खड़ी की। कितने सेक्टर्स में ऑपरेशनल। वर्तमान में वेदांता ग्रुप जिंक, सिल्वर, शीशा, ऑयल एंड गैस, लोह अयस्क, कॉपर, एल्युमिनियम और पावर सेक्टर्स में ऑपरेशन करती है। वेदांता न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है। दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड हमसे कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।